और मम्मी लेके आई है छोले भटूरे। कोने में घुसे घुसे के घुसा रखे, अब दिखाते हैं गाउन। गाउन के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई जस्ट होप आप सभी एकदम बढ़िया बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी 4 बजे उठ रही हूँ, मतलब मैं उठी थी 12 बजे, 11 बजे उठी थी, और फिर वीडियो अपलोड करने के बाद, फिर नहाने धोने के बाद मैं दोबारा लेट गई। आपने देखा मैं कहाँ हूँ, अपने घर पर मायके में। तो वो लेट आए और तो इसलिए फिर पापा ने मना किया कि नहीं, इतनी लेट जाना सही नहीं है। सकते हो अब मुझे तैयार होना है, और पिंसू भी अभी सोया हुआ है, और मम्मी लेके आई है छोले भटूरे। सामान मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, एक दिन में एक बैग लेके आई, और मैं 4 बैग लेके जाऊंगी, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया कल। तो चलिए वीडियो में आगे तक बने रहना, स्किप मत करना। सो गाइस, ये है मेरा सारा सामान, जिसमें मेरे कपड़े भी हैं जो मैंने लिए थे कल दुल्हन साड़ी सेंटर से लिए हैं मैंने, और एक सूट लिया है मैंने कहीं और से। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ मैं कि क्या सामान लिया है मैंने, मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने मुझे क्या सामान दिया। पहले मैं वो दिखाती हूँ, मैं एक बैग लेके आती हूँ तो 4 बैग लेके जाती हूँ, तो फटाफट से दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या दिया है। हमेशा की तरह मम्मी कैंटीन से ये सब सामान लेके रखती है। मेरे नाना जी की कैंटीन है आर्मी की, नाना जी तो अभी नहीं है, लेकिन पर ये है कि उनकी उनकी वजह से ही हमारा कैंटीन वेंटीन से सामान वामान आ जाता है, तो उस मम्मी ले आती है। और ये मम्मी ने पिंसू के लिए ये लिया है, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, तो ऐसा कुछ फुल स्लीव में, मतलब ज्यादा मोटा तो चाहिए नहीं ना, तो इसलिए ये जींस के साथ। मम्मी ने मेरे लिए शॉल रख के रखा था, ये है स्वेटर जो मम्मी लाई थी कैंटाविल से, तो मैं पहनूंगी उसको शादी में। ठंड अभी गई नहीं है, हमें ऋषिकेश में जाना है। और मम्मी ने लिया है मेरे लिए पर्स, तो मम्मी ने ये लेके रखा था कि जब मैं आऊंगी तब लूंगी। इसमें आप कोई भी अपने कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड रखने होते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ऐसे कुछ रख सकते हो। यहाँ चेन है, सुंदर है ये पर्स वॉलेट, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा नाइस, मेरे लिए लिया है ये प्लाजो, क्योंकि मैं अब पजामी वजामी कम पहन रही हूँ, प्लाजो सेट ज्यादा। मैंने क्या लिया है वो दिखाती हूँ। मैंने चप्पल लिया है, क्योंकि चप्पल लेने का मुझे बहुत शौक है, कपड़ों के साथ चप्पल लेने का बहुत शौक है। दुनिया भर की चप्पल है, पर मेरे को ये ना कि जब मैं शादी आदमी जाती हूँ तो मुझे नई चप्पल चाहिए, तो मैंने चप्पल लिया। ये मैंने लिए यहाँ मार्केट से, कोई डिस्काउंट नहीं था, फिक्स प्राइस था यार, वहाँ पे कोई डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं मिलता। तो ये बड़ी सी शॉप है यहाँ पर गांधी मार्केट में, तो ये वहाँ पे मिली है 300 रुपये की चप्पल। ठीक है, प्राइस अच्छी चप्पल है, मजबूत है, क्या दिखा दी चप्पल। हाँ मैंने लिया था सूट, ये सूट मुझे अच्छे कम प्राइस में मिल गया था, अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, क्योंकि अच्छा लग रहा है ये सूट। जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तब देखना। ये सूट लिया है, वैसे तो दूसरी शॉप से लिया है ये, पर वहाँ अच्छा डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने वहीं से ले लिया। ये आजकल चल रहा है ना सरारा टाइप में, इसके साथ ये चुन्नी है, बहुत सुंदर लग रहा है इसका सूट, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर सरारा में है ये, और कुछ अलग प्रिंट में है, फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है इसमें, और यहाँ पर ये लेस लगी हुई है, और मिरर वर्क भी हो रखा है इसमें, मिरर लगे हुए हैं साइड में, ये देखो
तो मुझे बहुत प्यारा लगा। हाँ बस ये थोड़ा सा मिरर हटने का डर है तो उसको थोड़ा वॉश करते टाइम ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं अभी खोल नहीं रही हूँ भाई इसको, जब मैं पहनूंगी ना तब देख लेना। हाँ। तो मैंने ये गाउन लिया है, बहुत ही सुंदर गाउन है और मैं कोई शौक नहीं कर रही हूँ, बस मेरे को मन करता है अपने मम्मी पापा की जो भी चीज देते हैं वो दिखाने का कि चलो ये प्यार से उन्होंने दिया है ये सब कुछ, तो अच्छा लगता है ये सब चीजें। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ शेयर करती हूँ कंटेंट लाने के लिए। तो यही सब था, अब मुझे तैयार होना है, टाइम 4:45 हो गया है और मैं ऐसे बैठी हूँ, कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने बोला था 5:30-6 बजे तक मैं आ जाऊंगा, इंसू सोया है उसको मम्मी तैयार कर देगी और मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ठीक है गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं 1 घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ। चलिए फटाफट हम पहुंचने वाले हैं और मैं निकलती हूँ, सारा सामान है यहाँ पर और निकलते हैं फटाफट से, और रिक्शा करनी है बाहर तक जाने के लिए क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और अंदर वो आ नहीं सकते, गाड़ी लेके जाम हो जाएगा। तो घर पे चेंज वेंज मैंने कर लिया है, पिंस ने भी चेंज कर लिया है, पिंस के पापा ने भी कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि कुछ नहीं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अब जो ब्लॉग अब आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, कहीं हम कहीं जा रहे हैं वो जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और शादी में जा रहे हैं हम तो जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आप सबको, मैं बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊंगी वहाँ का। तो आगे तक जरूर बने रहना ब्लॉग में और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाले ब्लॉग के लिए आपको। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट नन्नू पिंचू, नन्नू तो उस कमरे में है, पिंचू गुड नाइट बोल दो, मुँह कैसा खोल रही है देखो उसका मुँह, गुड नाइट बाय। Bye. 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 Bye.